दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आदरणीय द्वापर मुल्ला जी की एक नज़्म लेकर के। आदरणीय द्वापर मुल्ला जी की लिखी हुई इस मुख्तसर सी बात मजमूआ नज़्म, मुख्तसर सी बात से ये नज़्म ली है जिसका उन्वान है मेरा विश्वास। जी हाँ, मेरा विश्वास। दुआ जी लिखती हैं, मेरा दरवाज़ा आज भी खुला है इस इंतज़ार में कि तुम आओगे। मेरा दरवाज़ा आज भी खुला है इस इंतज़ार में कि तुम आओगे। मेरी आँखें आज भी तरसती हैं दीदार को तुम्हारे। मेरी आँखें आज भी तरसती हैं दीदार को तुम्हारे। मेरा यकीन आज भी कायम है, मेरा यकीन आज भी कायम है कि तुम आओगे एक दिन। मेरा दरवाज़ा आज भी खुला है इस इंतज़ार में कि तुम आओगे। मेरा दरवाज़ा आज भी खुला है इस इंतज़ार में कि तुम आओगे। मेरी आँखें आज भी तरसती हैं दीदार को तुम्हारे। मेरी आँखें आज भी तरसती हैं दीदार को तुम्हारे। मेरा यकीन आज भी कायम है कि तुम आओगे एक दिन। मेरा यकीन आज भी कायम है कि तुम आओगे एक दिन। मेरे हाथों में आज भी जुम्बिश है तुम्हारे हाथों की। मेरे हाथों में आज भी जुम्बिश है तुम्हारे हाथों की। तुम्हारी महक आज भी बसी है मेरे सपनों में। तुम्हारी महक आज भी बसी है मेरे सपनों में। आना ही होगा तुम्हें, आना ही होगा तुम्हें क्योंकि मेरा विश्वास हो तुम। आना ही होगा तुम्हें क्योंकि मेरा विश्वास हो तुम। मेरा विश्वास हो तुम, मेरा विश्वास हो तुम। दोस्तों ये मुख्तसर सी रचना बहुत कुछ कहती है। हम जब किसी को खो देते हैं तो खो करके भी हमें ये इंतज़ार रहता है कि शायद वो कभी मिल जाए, कभी सामने आ जाए। दिल नहीं मानता कि वो अब नहीं आएगा, जो चला गया वो नहीं आएगा, लेकिन एक आस बंधी रहती है, एक विश्वास होता है कि शायद वो मिल जाए, शायद वो आ जाए, कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए, कभी तो आ जाए। मेरा विश्वास। दोस्तों ऐसी रचनाएं दिल को छू जाती हैं और दुआ दुआ मैडम की जो कलम चलती है वो आपके लिए या किसी के लिए, सुनने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए एक रचना हो सकती है, उनकी एक नज़्म हो सकती है। लेकिन जो उनके करीबी हैं वो ये जानते हैं कि वो कलम से हकीकत लिखती हैं। लगता फसाना है, अपनी अपनी लेखनी का कमाल है। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बहुत ख्याल रखिए अपना। आप हैं तो हम सब हैं, आप सब, हम सब मिलकर के ही तो ये दुनिया है। टेक केयर, थैंक यू सो मच, माफ़ कीजिएगा।